और हाँ जल्दी कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ कमेंट में आया है कि कैसे पेमेंट कैसे कटेगा, तो आपका यहाँ पे बैंक नेम आपका दिया हुआ है, ठीक है, CBI गया कॉलेज गया, अकाउंट नेम दिया हुआ है गया कॉलेज जनरल फंड, ठीक है, अकाउंट नंबर भी बताया गया है, IFSC कोड तक बताया दिया गया है। पेमेंट करने का दो मेथड है, जैसे हो गया आपका गूगल पे और पेटीएम। अगर ये आप गूगल पे और पेटीएम करते हो तो UPI नंबर मिलेगा, और अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करते हो तो आपको UTR नंबर मिलेगा, और उसे ही आपको एडमिशन फॉर्म में फिल करना होगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आप सभी का मेरे चैनल पे द एवरीथिंग सब पे। क्या क्या ये फ़ोटो कैसा लग रहा है, मैंने खुद ही क्लिक किया, वो भी अपने फ़ोन से। बताना ज़रा कैसा लग रहा है कमेंट में लिख करके, ठीक है। तो कुछ और ट्राई करूँगा, पर थोड़ा सा शौक है फोटोग्राफर बनने का। ऐसा छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं आज का टॉपिक पे। हाँ, कि जैसे पेमेंट आपको करना होगा तो पेमेंट करने के लिए तीन तीन मेथड है, गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम। अगर आप गूगल पे और पेटीएम का यूज करते हैं तो आपको UTR नंबर मिलेगा, और अगर आप यूज करते हैं फ़ोनपे का तो सॉरी 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 अगर आप यूज करते हैं गूगल पे और पेटीएम का तो आपको UPI नंबर मिलेगा, और अगर आप यूज करते हैं फ़ोनपे को तो आपको UTR नंबर मिलेगा, ठीक है। ला 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 ला, जैसे हाँ देखिए, मान लीजिए आप पेमेंट करते हैं तो आपका कुछ जैसे कि आईकॉम में या ISA में, मान लो आपका एडमिशन लेना है, तो उस पर क्लिक करके सीधे आपका ये फॉर्म खुल गया। तो ईमेल एड्रेस सबसे पहले आपको जो डालना है वो आपको अपना ईमेल एड्रेस पर डालना है, और दूसरा ट्रांजेक्शन जो मैंने कहा था कि UPI नंबर या UTI नंबर, अगर आप फ़ोनपे से किए हो तो आपको UTI नंबर गया होगा, उसको यहाँ पे फिल करना होगा, और अगर आप पेटीएम या गूगल पे यूज़ किए हो तो आपके पास UPI नंबर गया होगा, तो वो आपको पेड करना है। और ये डेट, ट्रांजेक्शन डेट, किस दिन आपने मतलब कि पेमेंट किए थे, ठीक है, ट्रांजेक्शन अमाउंट आपने कितना अमाउंट पेड किया है, बारकोड जो आपको मिला होगा आपके मतलब कि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपको मिला होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रोल कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट चूज करने का हो गया, एप्लीकेशन नेम आपका नाम हो गया, स्टूडेंट नेम मतलब कि एप्लीकेशंस, मोबाइल नंबर, ठीक है, जेंडर तो मेल या फीमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन मोबाइल नेम ज़रूरी है, और आपको फिर से ये कैटेगरी चूज करना होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और मैं ये मुझे लग रहा है कि मतलब कि कल मैं एडमिशन ले सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी तो नहीं है, 5 दिन का ही टाइम है, सबको इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, कुछ और ये लॉकडाउन में वैसे ही परेशानी हो ही रही है। थैंक